बहुत दूर यहाँ मैं एक टीन के डिब्बे में बैठा हूँ। पृथ्वी का रंग नीला है और यहाँ कुछ भी नहीं जो मैं कर सकूँ। यह कहना था अंतरिक्ष में जाने वाले पहले शख्स का जो उसने महसूस किया। 2 मीटर व्यास वाले छोटे से स्पेसक्राफ्ट में वह युवक अंतरिक्ष यात्री की बजाय महज एक यात्री की तरह अंतरिक्ष गया था। वह युवक एक ऐसे यान में था जिसकी कंट्रोल को वह छू नहीं सकता था। कंट्रोल रूम से हुए उसके संवाद के मुताबिक अंतरिक्ष यान की कैप्सूल विंडो से उसे पृथ्वी बड़ी सुंदर दिखाई दी थी। पृथ्वी पर बादलों की छाया मनमोहक दृश्य पैदा कर रही थी। यह युवक कोई और नहीं यूरी गागरिन था, जिसने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की। यूरी गागरिन का जन्म 9 मार्च 1934 को गझत्सक के पास क्ल्यूसिनो गांव में हुआ था। उसके माता पिता सामूहिक खेत में काम करते थे। यूरी उनके माता पिता की 4 संतानों में तीसरी संतान थे। उनके अलावा उनके परिवार में एक बड़ा भाई वालेंटिन, बड़ी बहन जोया और छोटा भाई बोरिस शामिल था। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत यूनियन के लाखों लोगों की तरह गागरिन परिवार भी नाजी व्यवसाय से रहा। मैक्सिको में जर्मन अग्रीम के समय नवंबर 1941 को क्ल्यूसिनो पर भी कब्जा कर लिया गया, जिसके बाद गागरिन परिवार को कीचड़ कुटिया बनाने की इजाजत दी गई और इसी जगह पर उन्होंने अपनी जिंदगी ज्यादातर साल बिताए। 1943 में उनके 2 बड़े भाई बहनों को गुलाम मजदूर के लिए जर्मन से पोलैंड निष्कासित कर दिया गया और 1945 में युद्ध के खत्म होने तक वे लौट कर वापस नहीं आए। 1946 में उनका परिवार गझत्सक चला गया, जहां यूरी ने अपनी माध्यमिक पढ़ाई पूरी की। 1950 में 16 साल की उम्र में यूरी ने मेक्सिको के पास ल्यूबेटिसी स्टील प्लांट में फाउंड्री मैन के रूप में काम शुरू किया और साथ ही वे 7th ग्रेड की पढ़ाई के लिए यंग वर्कर स्कूल में दाखिल हुए। 1951 में 7th ग्रेड और व्यवसायिक स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद उनकी नियुक्ति साराटो इंडस्ट्रियल टेक्निकल स्कूल में हुई, जहां उन्होंने ट्रैक्टर्स की पढ़ाई की, जबकि साराटोव में यूरी की नियुक्ति सोवियत एयरक्राफ्ट के रूप में स्थानीय फ्लाइंग क्लब में सप्ताहांत परीक्षण के लिए की गई। साथ ही ब्लोगा रिवर में मजदूर के रूप में काम कर वे अतिरिक्त पैसे भी कमाने लगे थे। 1955 में तकनीकी स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद सोवियत आर्मी ने यूरी को अपने लिए तैयार कर लिया। सिफारिश करने के बाद ही यूरी को ओरेनबर्ग की चकलोव एयर फोर्स प्लांट स्कूल और 1957 में MiG-15 में भेजा गया। 12 अप्रैल 1961 को महज 27 साल की उम्र में उन्होंने अंतरिक्षयान वोस्टोक 1 में बैठकर बाइकुनूर कोस्ट्रोम से ऐसी जगह के लिए उड़ान भरी जहां पहले कोई इंसान नहीं गया था। यह स्पेस की रेस में अमेरिका पर सोवियत रूस यानी तत्कालीन USSR की जीत थी। पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाने के लिए उनके यान ने 1 सेकंड में 8 किलोमीटर की दूरी तय की। ऐसा पहली बार मुमकिन हुआ और यूरी अंतरिक्ष में पहुंचे। वहां से उन्होंने पृथ्वी की सुंदरता को देखा। किसान माता पिता के बेटे यूरी जब अंतरिक्ष में गए तो कोई उन्हें नहीं जानता था, लेकिन जब वे लौटे तो दुनिया भर में मशहूर हो गए थे। वे रूस के राष्ट्रीय हीरो बन गए थे। इसके बाद सोवियत रूस ने उन्हें दुनिया भर के अलग अलग देशों में अघोषित राजदूत के रूप में भेजा। शीत युद्ध के दौरान में सोवियत संघ इससे अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता था। 27 मार्च 1961 को चकलोव्स्की एयरबेस से फ्लाइट की दैनिक ट्रेनिंग करते समय वहां और उनके फ्लाइट प्रशिक्षक व्लादिमीर ओरियोगिन की मृत्यु MiG-15 UTI में करजीहंज शहर के पास हुए क्रैश में हो गई। यूरी और सरियोगिन के शव को रेड स्क्वाडर पे दफनाया गया और वहीं उनका अंतिम संस्कार भी किया गया था। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 7 मार्च की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन 1945 में अमेरिकी एयरफोर्स ने टोक्यो में बम गिराया था। बमबारी से लगी आग ने करीब 1/4 शहर को जलाकर राख कर दिया और 80,000 लोगों की जान ली थी। वही साल 1951 में मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। 1988 में उन्हें पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साल 1956 में भारत के राजनायक और कांग्रेस से सांसद शशि थरूर का इंग्लैंड के लंदन में जन्म हुआ था। आज के दिन साल 1959 में दुनिया भर में बच्चियों की पसंदीदा बार्बी डॉल को न्यूयॉर्क में अमेरिकन टॉय फेयर में पहली बार पेश किया गया था। वहीं साल 1986 में सैटेलाइट आधारित पहला टेलीफोन संपर्क नेटवर्क औपचारिक रूप से शुरू किया गया था।
आज के दिन साल 1999 में ब्रिटेन में भारतीय मूल के दिग्गज उद्योगपति स्वराज पॉल को सेंट्रल बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।